ओम नमः शिवाय। जिन्होंने हमें मैसेज किया था और वो एक समस्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उन्हीं के परिवार के हैं और उन्होंने उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है। चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी न किसी बहाने से उनके घर में हमेशा ही वो लड़ाई झगड़े करवाते रहते हैं। उनका एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है कि वो सही से शांतिपूर्वक अपने घर में भोजन कर सके और 2 मिनट अपने परिवार के साथ बातें कर सके। तो उनके माध्यम से मैं सभी साधक साध्वियों को बताना चाहूँगा कि जो भी आपका दुश्मन है, जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये विधि उन सभी साधक साध्वियों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। पहले मैं सभी साधक साध्वियों को ये बताना चाहूंगा कि इस विधि का कोई भी साधक साध्वी किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे, क्योंकि ये विधि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। यदि एक बार इस विधि को किया गया तो ये अपना कार्य जरूर करती है। और जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही कारगर विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं उस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए बिल्ली के और चूहे के बाल। आप थोड़े से बिल्ली के और थोड़े से चूहे के बाल लेकर आ जाएं। यदि आपके घर के आसपास कहीं पर भी जहाँ पर बिल्ली रहती है, आप वहाँ पर जाएं। वहाँ पर आपको जितने भी बाल मिलते हैं वो बाल आप चक्कर लेकर आ जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चूहे के बाल लेकर आने हैं, ना ही मरी हुई बिल्ली के बाल लेकर आने हैं, ना ही मरे हुए चूहे के बाल लेकर आने हैं। तो आपने बिल्ली और चूहे के बाल इकट्ठे कर लेने हैं। ये बिल्ली और चूहे के बाल आप किसी भी दिन लेकर आ सकते हैं और इस विधि को आपने रविवार के दिन करना है। जो आपका दुश्मन है उसके घर में जो आपने चूहे और बिल्ली के बाल इकट्ठे किए हैं, जितने भी आपने इकट्ठे किए हों उन सभी को इकट्ठा करके इस तरह से आप इकट्ठा कर लें और जो भी आपका दुश्मन है उनके घर में कहीं ऐसे स्थान पर आप रख कर आ जाए जहाँ पर कभी भी किसी का हाथ ना लगे। जिस समय आप इसको वहाँ पर रख कर आएंगे उसके बाद से आपके दुश्मन के घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े क्लेश ही क्लेश रहेगा। वो कभी खुश नहीं रह पाएगा और वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो आपके और आपके परिवार की ओर कभी उसका कभी ध्यान ही नहीं जाएगा। इन दोनों के बाल को इकट्ठा करके जिस दिन से रखते हैं उसी दिन से आपका दुश्मन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और आपको आपके दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से उन सभी साधक साध्वियों तक ये विधि पहुंच जाती है जिन्हें इस विधि की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।